वेलकम टू माय चैनल मियर ऑफ स्टार्स 2020। दोस्तों इस छोटा सा चैनल पर आप लोग का ये वीडियो पहले से भी अपलोड कर दिया गया है, 9th का प्लस 10th का। तो दोस्तों अगर जिसके आवश्यकता होगा तो उस वीडियो को भी देखने से आप लोग को मुझे उम्मीद है कि हेल्पफुल हो ही होगा। दोस्तों हम यहाँ पर पिछले जो वीडियो बनाए थे तो उसको हम लोग बर करने के लिए, यानी कि 2 अंक का जो संख्या था उसको बर करने के लिए बताए थे, बट इसमें बर करने के लिए नहीं, अब हम इसको बनाने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे करते हैं। अगर दोस्तों यदि हम ट्रिक बेसिक से पढ़ेंगे तो हम ट्रिक अपने आप से निकाल सकते हैं। किसी भी गणित हो या किसी भी मतलब स्टडी किसी भी सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं तो अगर यदि हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे तो उसमें ट्रिक खुद से हम अपने आप से निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप लोग को इस वीडियो में एक छोटा सा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाले हैं कि कौन सी अंक का अंत में जो वर्गमूल होता है वो कौन सा अंक होता है। दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर हो गया अंक हो गया और यहाँ पर हो गया वर्ग की इकाई अंक। दोस्तों ये तो अंक हुआ, बट जो सेकेंड हुआ वो तो हुआ वर्ग, यानी कि जब हम लोग वर्ग करते हैं किसी भी संख्या को जो वर्ग करते हैं तो उस संख्या को वर्ग करने में उसका इकाई अंक क्या क्या आने वाला होता है उसको यदि हम यहां से जानेंगे तो हमारे वर्गमूल निकालने के लिए जो दूसरा वीडियो तुम लोग देखोगे उस वीडियो में आप लोग का बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। दोस्तों जैसे देखिए एक होता है तो एक का जब भी हम वर्ग करेंगे तो लास्ट में जो इसका वर्ग होता है उसमें 1 ही आता है, जब यहां पर 2 होता है तो उसमें 4 आता है, जब यहां पर 3 होता है तो यहां पर 9 आता है, जब यहां पर 4 होता है तो वहां पर 6 आता है, जब यहां पर 5 होता है तो यहां पर 5 आता है, अगर यहां पर 6 का करेंगे तो 6 आता है, 7 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आता है, और जब 8 को करेंगे तो कितना आता है तो 4 आता है, और जब 9 का करेंगे तो कितना आया 1 आएगा। दोस्तों थोड़ा सा तुम लोग अच्छे से इसको ध्यान देना कि जो नंबर होती है 0 से 9 तक उसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारा वर्ग करने पर वो इकाई अंक में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों 1 तो है लेकिन 2 नहीं है तो 2 को लिख लेंगे, 2 तो है लेकिन 3 भी नहीं है तो 3 को लिख लेंगे। देखिए दोस्तों इसमें 7 नहीं होगा तो 7 को लिख लेंगे, और 8 भी नहीं है यानी कि 8 को लिख लेंगे। दोस्तों हमारे एग्जाम में बहुत से अभी पिछले साल प्रीवियस क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा था, एक नंबर दे दिया था और उस ऑप्शन में दिया था कि कौन सा इकाई अंक नहीं होगा, तो दोस्तों यही 4 अंक में से एक नंबर था, तो बहुत से बच्चे उसमें भी गलत कर दिए थे। तो दोस्तों ये सबसे पहले जाने वाली बात है कि किसी भी संख्या के जब वर्ग जो इकाई होता है वो कभी भी 2, 3, 7, 8 यानी कि जो 4 डिजिट होता है ये कभी नहीं आने वाला है। इसको अच्छे से तुम लोग को केयर कर लेना है कि 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। ये कब आएगा दोस्तों, तो ये हो सकता है कि यदि हम लोग घनमूल में चलेंगे जो 3 डिजिट वाला जो 3 अंक का पेयर होता है उसमें ये अंक आ सकता है, लेकिन ये वर्गमूल में कभी नहीं आ सकता है। तो यहां पर हम लोग देख लिए। और दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत से अंक बड़ा बड़ा होता है जो वर्गमूल निकाल करके वर्ग निकाल कर दिया रहता है, जैसे एग्जाम्पल तुम लोग बता रहे हैं कि 8 या 9 क्लास में दिया है कि बहुत बड़ा बड़ा नंबर को वर्ग निकाल दिया है, उसमें बोला कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों वर्ग और वर्गमूल इसमें अंतर क्या होती है, सबसे पहले हम लोग अंतर समझ ले। एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। तो दोस्तों वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को रिपीटेशन, मतलब किसी भी संख्या को जब हम दोहरा देंगे और उस दोहराने से जो हमारे सामने जो परिणाम आएगा उसी अंक को हम लोग बोलते हैं वर्ग। और वर्गमूल किसको बोलते हैं कि दोहराया गया अंक से जो उसकी मूल संख्या होती है उसी को हम लोग वर्ग मूल बोलते हैं। जैसे दोस्तों यहां पर हो गया 144, तो 144 में दोस्तों देखिए वर्गमूल क्या होगा। तो 144 में ये देखते हैं कि देखिए दोस्तों हम कितने संख्या को पेयर करते हैं, दो अंक को, दो संख्या को पेयर करते हैं, यानी कि अगर हम देखिए यहां पर अगर हम 44 को एक पेयर में कर लेंगे और 1 को एक पेयर में कर लेंगे
जब इसको हम पेयर कर लेंगे, देखिए दोस्तों तो 4 का वर्गमूल क्या हो रहा है, देखिए तो यहाँ पर तो 4 का वर्गमूल हो रहा है, देखिए तो 4 किसके अंत में आ रहा है, तो 2 में आ रहा है, देखिए 1 आ रहा है 2 में और 1 आ रहा है 8 में, यहाँ पर लिख लेंगे 2 और यहाँ पर लिख लेंगे 8, आगे समझ में। और देखिए यहाँ पर बच गया 1, तो 1 कौन कौन संख्या के वर्ग के बीच में आता है, तो दोस्तों 1 जो होता है 1 ही के बीच में आता है, यानी कि दोस्तों देखिए इसमें से सबसे छोटा वाला अंक लिखते हैं, यानी बड़ा वाला अंक कभी नहीं लिखेंगे, तो छोटा वाला जब अंक लिखेंगे तो यहाँ पर 8 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, तो 2 बड़ा होता है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और 1 का 1, यानी कि 144 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, तो 12 होगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो होगा एक ही एग्जांपल होगा, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, इस वीडियो से हम लोग को इसी अंक के लिए, इस वीडियो को हमें तुम लोग हेल्पफुल के लिए तैयारी कर दिए थे, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में आएगा तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।